हे वेलकम टू गाइस। तो फ्रेंड कैसे हो आप लोग? मैं बोल रहा हूँ आपका फ्रेंड। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने चैनल का नेम जो है जीबी गेमर बैंक से जियारी भाई रख दिया। तो फ्रेंड मुझे भी थोड़ा लग रहा है तो अजीब सा। तो फ्रेंड तो अगर आपको मेरा जो है नेम अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी मुझे जो है कमेंट में बताएं। तो फ्रेंड चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड मैं आज आपके लेके आया हूँ पबजी मोबाइल का जो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप जो है काफ़ी हद तक जो अपनी गेम बेहतर कर सकते हैं और प्रो बन सकते हैं। वैसे मैं मेरी इतनी खास गेम नहीं, फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप जो है अपनी गेम को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, एंड जो अगर ना अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें। तो मैं कोशिश करूँगा जो है गलती सुधार सकूँ, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड हम एक जो घर में खड़े थे और कैंपिंग कर रहे थे, अचानक से सामने से एक कार आई, पूरा स्क्वायर था उस कार में। तो पहले तो मैं उस कार की तरफ जाने लगा, मैंने कहा पुश करते हैं। मैं उस तरफ गया तो मुझे अचानक से पीछे से आवाज़ आई। तो फ्रेंड आपको ये करना है, अपने हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। जैसा कि वो अभी रेडी नहीं था, वो अचानक से भागा आया मुझ पर पुश करने पर, फिर भी वो इधर कवर ले गया, शायद ग्रेनेड फेंकना चाहता था, कुछ करना चाहता था। तो इस तरह आपने हर सिचुएशन के रेडी, एक जो है दूसरी तरफ से आया अचानक, मेरा जो साथी जो मेरा फ्रेंड था वो लेटा हुआ था, उसको कोई पता नहीं था कि कहाँ से बंदा आ रहा है। तो अचानक मैंने आगे जाके मार दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं घर के बाहर था, मुझे पता भी, अंदर मुझे फुटस्टेप आ रहे थे दो बंदों के, मैंने गन भी अपनी जो है रिलोड नहीं की थी। तो आपने यही गलती जो है नहीं करनी है, आपने जो है पब, तो यहाँ पर मैं खुद जान के नहीं फुल कर रहा क्योंकि उनको जो है आवाज़ आ रही थी। अभी मैंने गन रिलोड नहीं की, मैंने एक ही बंदे को देखा और मैं सीधा अंदर घुस गया। ये मेरी सबसे बड़ी जो है गलती थी और इसने जो है मुझे नॉक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर जो है हम जो है घर पर पुश करने जा रहे थे, तो मैं जो मेरा नंबर वन जो फ्रेंड है वो जो उस बंदे को मार रहा था, उनके साथी को, तो एक को तो मैंने यहाँ पे जो है नॉक डाउन करके मार डाला। तो फ्रेंड आपने ये जो छोटी छोटी गलतियाँ तो इनको जो सही करना है, तो आप जो है अपनी गेम काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। अभी फ्रेंड हमारा तो कुछ नहीं किया, मैंने जो अपने फ्रेंड को जो है रिवाइव कर डाला, पर उनका जो एक जो साथी मर गया। अब वो तीन बंदे रह गए थे। हम अब जो मैं इस घर पर पुश करने जा रहा हूँ, तो इन्होंने जो है यहाँ से जंप करके दूसरे घर में चले गए हैं। अभी फ्रेंड मैं ऊपर ही जा रहा था कि अचानक मुझे फुटस्टेप आए, मैंने कहा शायद ऊपर बंदा है तो मैं उस पर जाकर पुश करता हूँ। मैंने देखा इधर भी कोई बंदा नहीं था, तो अचानक मुझे ऊपर से गोलियाँ लगी, मैं बच के नीचे आ गया। तो देख सकते हैं आप उनका जो एक फ्रेंड जो है दूसरे वाले घर में, एक जो है बाहरी, अभी ऊपर से नंबर फोर फ्रेंड जो मेरा वो सामने आ गया, उसको भी उन्होंने मार डाला। साथ ही मैंने उसको मार के अपने जो है फ्रेंड को रिवाइव कर दिया, उसका वो दे दिया। अब एक बंदा उनका जो रह गया था वो सामने उस घर की जो है बालकनी में शायद था, जो जिसने मुझे ऊपर से गोली मारी और मैं साथ ही जंप करके बच गया था। तो यहाँ पर मैं रिवाइव कर रहा था कि अचानक मैंने नंबर वन फ्रेंड को जो उन्होंने मार डाला, उन्होंने नॉक डाउन कर डाला। फिर वो रहा देखे उसके, वो बच गया फिर भी हम इधर पर जो है रिवाइव करने का टाइम नहीं मिला, तो वो जा रहा बस ऊपर चला गया। तो उसने भी जो है जंप करके जो है टेक्निक लगाई थोड़ी सी, वो जंप करके आ गया था। तो अचानक मुझे लगा ये सीढ़ियों में बैठा हुआ ऊपर और था। अभी मैं पीछे वाली खिड़की से जंप कर रहा था कि अचानक वो सामने आ गया। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने हर पोस्ट के लिए रेडी रहना है। तो अगर आप आराम से खेलेंगे सीधा सीधा तो आप ये नहीं कर सकते, आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। अब ये देख सकते हैं कि मुझे हर तरफ से, मैं सामने अपने जो है उधर खिड़की के पास खड़ा था, मुझे कोई पता ही नहीं था कि किस तरह से बंदा, मैं उधर देख रहा हूँ पीछे से मुझे एक और ने आके मार दिया। तो अभी जो आपने, मैं क्या बता रहा हूँ कि आपने हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, तो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। आपने अपनी गन्स रिलोड, अपनी पावर वगैरह जो है फुल रखनी है। अभी यहीं पे क्या हुआ, मैं अपनी जो है लूट में जो है मस्त था, मैं अपनी लूट कर रहा था कि अचानक से मुझे फुटस्टेप आ गए। तो उधर मुझे कोई पता नहीं था कि इस बिल्डिंग में भी कोई है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि अपने हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है कि अचानक अगर आपके सामने कोई आ भी है, आपकी जो है मैगजीन फुल भी नहीं, तो फिर भी आपने उसको मारना है। तो आपने कोशिश करनी है हेड शॉट लगाने की, क्योंकि हेड पे लगाने से जो है कम से कम जो गोलियां वेस्ट होती हैं और सबसे बंदा इजीली मार जाता है। अब इधर क्या हुआ, इधर जो मैं अपने फ्रेंड जो मेरा फ्रेंड ज़रा ऑफलाइन हुआ था, करते मुझे जो है सब कवर दे के रखना। तो अचानक मैं अपने घर में बैठा था, मुझे कोई पता नहीं, अचानक से गाड़ी की आवाज़ आई। तो आप देख सकते हैं इधर जो है मैं आराम से बैठा था कि अचानक गाड़ी की आवाज़ आई, गाड़ी की जो है वो टायर के निशान है। तो मैं ज़रा फोकस करके उधर बैठ गया। तो अभी ये देखिए इन्होंने बेवकूफ़ी किया, सीधे सीधे भाग गए एक सामने से, और दूसरा ने उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी, आपने ये नहीं करनी। अभी देखें वो सीधा सीधा उसके पीछे पीछे ही आ गया, ये इसने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की।
तो आपने फ्रेंड ये जो है गलतियां नहीं करनी है, तो आप जो है काफ़ी हद तक अपनी गेम बेहतर कर सकते हैं। अब आपका फ्रेंड जो है नॉकडाउन, वो आपको पता है कि उधर कोई बंदा है, तो आप उधर क्यों जा रहे हैं? तो अगर आप उसको पहले उसको बैठ कर आराम से स्पॉट करें, फिर उसको जाके मारें, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं जो है बिल्डिंग लूट कर रहा था, अचानक से इस तरह ही बंदा नीचे आ गया। मुझे जो है आराम से अपनी लूट मैं कर रहा था इधर, मैं अभी हम उतरे ही थे, तो ये देखें आराम से भाग रहा है वो, मुझे जो है दूसरी तरफ से जाकर मारना चाहता था दूसरी बिल्डिंग से। तो मैंने उसको, आप जो जो आपका अगला एनिमी सोच रहा है आपने उससे पहले सोचना है। तो फ्रेंड आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।